एंड सम इन गोल्ड आल्सो गोल्ड इज द बेस्ट थिंग टू इन्वेस्ट फॉर डाइवर्सिफिकेशन फॉर मिनिमाइजेशन रिस्क एंड इट इज ऑलवेज सीन दैट जो गोल्ड है इट इज ऑलवेजली इट इज ऑलवेज हैव इनवर्स रिलेशनशिप विद द स्टॉक मार्केट अगर स्टॉक मार्केट में कहीं भी कभी भी कोई कईस आएगा तो हमेशा ही देखा गया है कि जो गोल्ड के पैस हैं वो स्टॉक मार्केट के अपोजिट चलते हैं जैसे अभी रशियन यूक्रेन क्राइन में भी क्राइसिस में भी होता है इसके अलावा जब कोविड हुआ था जब आउटब्रेक ऑफ कोविड था तब भी सेम प्रॉब्लम थी बेसिकली इट इज ऑलवेज सीन दैट कि जब भी कोई मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी द पीपल हु आर इन्वेस्टेड इन द मार्केट विल ट्राई टू प्ले सी द सेफ हेवन कि कहाँ पे उनका मनी ज़्यादा सेफ होगा उस केस में जो गोल्ड होता है दिस इज द बेस्ट बिकॉज उसका जो रिलेशनशिप है उससे इक्विटी मार्केट से दैट इज़ टोटली इनवर्स बट इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड डज नॉट मीन दैट यू इन्वेस्टमेंट यू इन्वेस्ट इन ज्वेलरी गोल्ड का इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि हम ज्वेलरी में इन्वेस्ट करें इट ऑलवेज इन्वेस्ट इट ऑलवेज मीन्स द इन्वेस्टमेंट इन बुलियन और डिजिटल गोल्ड आज की डेट में आप जो गोल्ड के ई टी एफ्स हैं एक्सचेंज ट्रेडिट फंड्स वो ले सकते हैं या बुलियंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं इट इज़ नेवर सेस टू हैव ज्वेलरी क्योंकि ज्वेलरी की अपनी एक डिक्रीजिंग वैल्यू होती है वी आर हेअ फॉर रिटर्न वी आर हेअर टू मिनिमाइज द रिस्क तो हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है जिसमें रिस्क कम हो लेकिन साथ साथ उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो इसलिए गोल्ड में कभी भी इन्वेस्टमेंट ये दियस सजेस्टिड होता है कि या तो हम एक्सचेंज ट्रेडिट फंड में गए या जो डिजिटल गोल्ड्स हैं डिजिटल बॉन्ड्स हैं उसमें गए तो फर्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन सेकेंड इज असेट्स एलोकेशन एक चीज और भी सजेस्टिड है कभी भी अपना सारा पैसा हम एक साथ न लगाएं अगर मुझे इसे हंड्रेड रुपीज़ इन्वेस्ट करना है इट डज़ नॉट मीन कि मैं हंड्रेड रुपीज़ आज ही इन्वेस्ट करूँ ऑलवेज हैव सम लिक्विडिटी लिक्विडिटी दो पर्पज से एक तो एमरजेंसी पर्पज़ से भी और सेकेंड फॉर हैवीन अपॉर्चुनिटी जब भी मार्केट में कोई ग्रेट फॉल आता है देन यू शुड बी हैविंग सम मनी टू इन्वेस्ट अगर आपने सारा पैसा आज की डेट में ही इन्वेस्ट कर दिया तो जब कभी मार्केट में क्योंकि मार्केट कभी भी एक लीगर डायरेक्शन में नहीं चलता इट इज़ ऑलवेज अप्स एंड डाउन तो जब मार्केट की डाउन साइड आती है तब आपको ट्रेंचिज में छोटे छोटे पार्टस में इन्वेस्टमेंट करना होता है अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका जो पैसा है उसकी ग्रोथ हमेशा अच्छी होगी तो वी कैन से लाइक दैट कि दिस इज जस्ट लाइक ए सेल इन स्टॉक मार्केट कभी भी अगर कोई मार्केट में कहीं सता है तो बहुत अच्छे जो ब्लू चिप कंपनीज हैं जो बहुत अच्छे शेयर्स हैं कोई शेयर से पहले वो हंड्रेड रुपीज़ का था दैट मे बी अवेलेबल टू यू एट सिक्सटी सेवेंटी एटी रुपीज़ अगर मैं हंड्रेड वाली चीज़ को एटी में बाय कर सकता हूँ तो जब भी वो हंड्रेड होगा तो रिटर्न विल बी ट्वेंटी फाइव परसेंट वाट आई वॉन्ट टू सजेस्ट कि जब भी हम इन्वेस्ट करें तो कभी भी ऐसा नहीं है कि अपना सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर दें राधर वी शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट इन ट्रेंचिज अपना इन्वेस्टमेंट पार्ट्स में करें ट्वेंटी फाइव ट्वेंट थर्टी परसेंट मैं आज कर दूं देन आई शुड वेट फॉर सम टाइम देन ट्वेंटी थर्टी परसेंट अगेन एंड देन ट्वेंटी थर्टी परसेंट इफ आई गो बाय दिस इट इज ऑलवेज सीन दैट द वैल्यू ऑफ मनी विल बी इंक्रीजिंग सो फर्स्ट वाज डाइवर्सिफिकेशन सेकेंड Asset allocation and third was liquidity management. Or we can say buy-in instalment. The third, next and most important. Again, the market investment. The investment depends on the risk appetite of the person. The risk appetite of different persons can be different in different age, depending on their responsibilities, their risk profile. It is generally seen that the person who are very young, say 18 to 30 years of age.

जो मॉडरेट एज के लोग हैं वो थोड़ा कम ले सकते हैं या जो ओल्ड एज है वो चाहते हैं कि अपना जो पैसा है वो सेफ हो क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा रिटर्न भी नहीं चाहिए होती तो इस तो वी कैन से दैट द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द पर्सन आल्सो डिपेंड्स अपॉन हिज एज एक और फैक्टर है द सेकेंड फैक्टर दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द रिस्क प्रोफाइल ऑफ एनी पर्सन दैट इज द अर्निंग ऑफ ए पर्सन अगर किसी पर्सन की अर्निंग बहुत कम है इन रिस्पेक्टिव ऑफ इज एज अगर मेरी अर्निंग ही सपोज को बहुत कम है तो शायद मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाऊंगा बट मेरे पास अर्निंग बहुत ज़्यादा है एंड आई कैन स्पेयर ए हैंडसम मनी तो मेरा रिस्क कैपिटाइट उतना बढ़ जाएगा तो सेकेंड इज द क्लासिफिकेशन दैट आई हैव मेड इज एज पर इनकम इफ ए पर्सन इज लो इनकम ग्रुप लाइक हिज टोटल एनुअल इनकम इज सेफ फाइव टू टेन लैक तो ही इज जस्ट अर्निंग हीज़ बैटर एंड बेटर ही इज़ हैविंग वेरी लिमिटेड अमाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट अगर वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहीं रिस्की सिक्योरिटीज में लग जाएगा तो शायद उसको ज़्यादा लॉस होगा या वो ज़्यादा लॉस बियर नहीं कर पाएगा तो उसके लिए सेस्टिड रहा है ही कैन टेक द लो रिस्क तो ही शुड गो फॉर मैक्सिमम ऑफ फिक्स इनकम सिक्योरिटीज और फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट्स एंड सर्टिन अमाउंट ऑफ इक्विटी इफ ए पर्सन इज हैविंग मॉडरेट इनकम से टेन टू ट्वेंटी लैक्स पर एन अगर किसी पर्सन की अप्रॉक्सीमेटली एक डेढ़ लाख रुपये पर एन उसकी इनकम है तो ही कैन हैव सम रिस्क Depending on his savings, but the person who is having higher income can have the higher risk. So we can say the risk profile also depends on the income as well as the age of the person. This person की जैसी है, जैसा उसका इसकी income profile होगा, वो उसी हिसाब से अपना risk को manage कर सकता है. But हमें हमेशा ध्यान रखना है, चाहे मैं ज़्यादा risk ले सकता हूँ, तब भी जो basic fundamental principle से diversification अ सेट एलोकेशन एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट ये तो हमें फॉलो करने ही करने हैं सो दैट द रिटर्न कैन बी हायर दिस इज अ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इट इज ऑलवेज सीन दैट इफ यू इन्वेस्ट इन डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड फोर्थ टू लिज द प्योरि सिटी जब भी हमें रिटर्न को अभी जब भी हमें कैपिटल को इन्वेस्ट करना है इट इज़ जनरली फॉर लॉन्ग टर्म सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है रिस्क मैनेज करने का लॉन्ग टर्म पीरियडिसिटी। अगर मैं अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम देता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो जो शॉर्ट टर्म के प्रॉब्लम्स हैं जो शॉर्ट टर्म की कॉजेज हैं वो अपने आप कम हो जाते हैं there मे बी uncertainties इन शॉर्ट टर्म जैसे आर बी आई ने सपोज को बैंक रेट चेंज किया तो उसका इम्पैक्ट नॉर्मली वन मंथ और तो वन वीक रहेगा बट ओवर द पीरियड वो स्टेबलाइज रहेगा अगर आपको शायद कुछ आइडिया हो इफ यू हैव सीन लास्ट ईयर द बॉन्ड ईल्ड ऑफ यू एस वो अराउंड वन पॉइंट सिक्स परसेंट वन पॉइंट सिक्स टू वन पॉइंट नाइन जब वो वन पॉइंट सिक्स पॉइंट नाइन आ रहे थे एवरी वाट विल हैपन बट टूडे द बॉन्ड इड इज टू पॉइंट एट और टू पॉइंट नाइन परसेंट स्टिल द मार्केट इज़ इन गुड कंडीशन तो ये डिपेंड करता है अगर आप किसी कभी भी शॉर्ट टर्म में के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो इट मे भी पॉसिबल कि आपने आज इन्वेस्ट किया लेकिन कुछ टाइम बाद ही मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशंस हैं एंड यू हैव टू एग्जिट अगर आपको एग्जिट करना है तो फिर उस टाइम पे लॉस होने के चांस ज़्यादा है लेकिन अगर आपने अपनी स्पे ऑफ मनी को इन्वेस्ट किया एंड यू आर गिविंग द टाइम टू इट टू गो तो जो ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी यू कांट एस्टिमेट कि कितनी वो ग्रो सकती है ये जो एक चार्ट है दिस इज़ फ्रॉम नाइन्टी सिक्स टू टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इफ यू सी हाउ द मनी इज गोइंग अगर हम नाइन्टी सिक्स से देखें टू थाउजेंड टू थाउजेंड फाइव तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है लेकिन जैसे जैसे ये पीरियड बढ़ता गया द ग्रोथ इज फिनोमिनल सो वी कैन से दैट द रिस्क कैन बी मिनिमाइज बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो अच्छी कंपनीज हैं जितना वो ग्रो करेंगी उसका बेनिफिट भी हमें मिलेगा शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है कि उसके एक क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे हों एक क्वार्टर में रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं हों बट इन द लॉन्ग टर्म वी कैन पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी बाय मेकिंग द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अब मैं आपको कुछ कंपनी के एग्जाम्पल दिखाऊंगा जो पिछले टेन ईयर्स में कैसे ग्रो किए हैं इफ़ यू सी द एग्जाम्पल ऑफ बजाज फाइनेंस द शेयर ऑफ बजाज फाइनेंस वॉज कोटिंग

कोटैक बैंक टू हंड्रेड टू टू थाउजेंड टाइटन इट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग बुल्गन टू थाउजेंड फोर फाइव में ये इट वॉज़ ओनली ऑन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी रुपीज़ इन टू थाउजेंड टेन इट वॉज थ्री हंड्रेड और आज की डेट में टू थाउजेंड ट्वेंटी इट वॉज फिफ्टीन हंड्रेड और आज इट इज़ नाउ एज ऑन टू इट इज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड अराउंड अगर तीन सौ पे शेयर आज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का एट टाइम्स एच डी एफ सी बैंक टू ट्वेंटी वो आज के रेट में ही चौदह सौ रुपए का है। तो इफ यू सी द एग्जाम्पल आई टी सी इन्फोसिस सो मैनी स्टोरीज अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं एंड वी कीप ऑन इन्वेस्टिंग कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी जो ग्रोथ है दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनी अदर इंस्ट्रूमेंट बट द मेन थिंग इज वी हैव टू आइडेंटिफाई द गुड कंपनीज दिस इज चार्ट विद शोज हाउ वी कैन

लाइक दैट द नेक्स्ट थिंग सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ द कंपाउंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था इफ यू वॉन्ट टू गो योर मनी तो आपको इन्वेस्टमेंट की एक हैबिट डालनी होगी जितना भी आप अर्न करते हैं उसमें कुछ ना कुछ डेली इन्वेस्ट करना है और जो कंपाउंडिंग की पावर है और जो मुझे इन्वेस्ट करना है, एक चीज़ मुझे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरा इन्वेस्टमेंट ओवरऑल ऐसा होना चाहिए कि मेरे पोर्टफोलियो की रिटर्न इन्फ्लेशन से ज़्यादा हो अगर मुझे मार्केट में आना है तो उसके पीछे रीज़न क्या है अगर मैं बैंक एफडी डी या इस फ्री रिटर्न में जाता हूँ तो उससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन होता है अगर इन्फ्लेशन मेरी रिटर्न से ज़्यादा है तो इट मीन्स मेरी मनी जो ग्रो कर रही है वो उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रही जिस हिसाब से ग्रो होने चाहिए तो आई हैव टू गो फॉर सम हायर रिटर्न अगर हम देखते हैं कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट यू कैन इमेजिन यू कैन नॉट इमेजिन कि कंपाउंडिंग का कितना इम्पैक्ट हो सकता है अगर वी कैन सिंपली से अगर कोई पर्सन सिंपली वन थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करता है इफ ए पर्सन इज इन्वेस्टिंग रुपीज़ वन थाउजेंड था। पर मंथ ओनली ए बिल्कुल बेसिक सी अमाउंट वन थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ एंड ही इज गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट ईच एंड एवरी मंथ अब इन्वेस्टमेंट दो टाइप से झुकता है या तो मैं हर साल या से दो चार पाँच साल में कभी एक टाइम पर इन्वेस्ट करूँ सेकेंड ऑप्शन इज आई एम इन्वेस्टिंग ईच एंड एवरी मंथ सिस्टमेटिकली जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो कंटीन्यूस कंपाउंडिंग कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट में हमेशा ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू डिस्क्रीट इन्वेस्टमेंट कभी मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया कभी नहीं किया डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए इट शुड बी ए जस्ट लाइक ए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अगर मैं सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करता हूँ आज से सपोज को कोई पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करता है एक स्टूडेंट है ही इज़ ऑफ एटीन ईयर्स ऑफ एज अगर वो आज से हंड्रेड रुपीज़ से थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करता है एंड ही कीप ऑन इन्वेस्टिंग अप टू नेक्स्ट ट्वेंटी ईयर्स थर्टी ईयर्स फोर्टी ईयर्स अगर सपोज को मैंने आज से एक हज़ार रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू किया अगर मैं सिंपली बैंक अगर मैं कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखता हूँ तो छोटी छोटी चीज़ों से कंपाउंडिंग में बहुत फर्क पड़ता है अगर मैंने सिंपली द एक हज़ार रुपये पर मंथ छसेंट रिटर्न से पर एन एम दैट इज अ वी कैन से दू रिटर्न से इन्वेस्ट किया इन टेन ईयर्स इट विल बी वन पॉइंट सिक्स एट लैक्स टेन था वन थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ दैट इज़ ट्वेल्व थाउजेंड पर एन एम एक साल में बारह हज़ार दस साल में एक लाख बीस हजार में वो एक लाख बीस हजार बढ़ के एक लाख अड़सठ हज़ार होफ़ आई गो बाई सिक्स परसेंट रिटर्न ट्वेंटी ईयर्स में फोर पॉइंट सिक्स एट लैक्स थर्टी ईयर्स में टेन पॉइंट फाइव लैक्स इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूड ओवर फोर्टी ईयर्स दिस विल भी अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी लैक्स जो एक हजार रुपये पर मंथ हैं वो आपके सिक्सटी ईयर्स की एज में जो आपकी रिटायरमेंट की एज होती है लगभग फोर्टी लैक्स ट्वेंटी लैक्स होंगे और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ फाइव लैख दैट इज़ फोर लैख एटी थाउजेंड अड़तालीस साल चालीस साल और ट्वेल्व थाउजेंड पर मंथ इफ द रिटर्न इज नॉट सिक्स परसेंट यू आर टेकिंग सम रिस्क एंड यू आर अर्निंग ए रिटर्न ऑफ टेन परसेंट दैन इट विल बिकम फिफ्टी एट लैक्स कितना सिंपल है अगर मेरी रिटर्न एफ डी के हिसाब से देखता हूँ मैं तो ट्वेंटी लैक्स बनती है बट अगर वही पैसा हम थोड़ा इसलिए ले थोड़ी रिटर्न बढ़ा के अपना इफ़ वी गो बाय सम हायर रिटर्न इट विल गो बाय 58 एट और यही रिटर्न अगर मैं इक्विटी में कहीं इन्वेस्ट करता हूँ एंड इट कम्स टू 18 परसेंट कैन यू इमेजिन हाउ हाउ मच मनी कैन बी देर इट विल बी अराउंड 589 एटी जो आपके 20 लाख थे वो 6 परसेंट कीजिएगा अगर अट्ठारह से गो करते हैं तो इट विल बी फाइवीन लाइज द ओनली थिंग इज यू हैव टू कंटिन्यूसली कंपाउंड तो इसके लिए जो सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट दैट इज एस आई पी सोफा जो आपको इस मैनेज करने के आपने